एक पति ने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया और पुलिस को गुमराह करता रहा। कड़ी पूछताछ में पति ने अपना जुर्म कबूल किया। इस दंपति ने कुछ ही समय पूर्व ही प्रेम विवाह किया था। राजनांदगांव शहर के कोतवाली थाना पुलिस ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर उसे आत्महत्या बताने का प्रयास करने के एक मामले में खुलासा किया। 28 सितंबर को प्रार्थी खेलचंद गजभिये ने पुलिस को जानकारी दी कि उसकी साली रोशनी मेश्राम ने मठपारा में फांसी लगा ली है। इसके बाद कोतवाली पुलिस और FSL की टीम द्वारा पूरे मामले की जांच की। पुलिस ने महिला के पति से पूछताछ की। पूछताछ में आरोपी द्वारा पूरे मामले को आत्महत्या करार देने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की कड़ी पूछताछ में आरोपी पति अश्विनी मेश्राम ने अपनी पत्नी की हत्या किए जाने का जुर्म कबूल कर लिया। राजनांदगांव CSP अमित पटेल ने बताया कि इनकी शादी 1.5 वर्ष पूर्व हुई थी और आपसी विवाद में पति ने पत्नी की हत्या कर दी। 2 दिवस पूर्व खेलचंद गजभिये जो कि रोशनी मेश्राम की जीजा है और इनके द्वारा थाने में फोन करके सूचना दी गई थी कि मठपारा में रोशनी मेश्राम ने फांसी लगा ली है, जिसकी सूचना उसके पति अश्विन मेश्राम ने दी थी, जिनकी शादी आज से 1.5 वर्ष पूर्व हुई थी और जिस पर कि मर्ग कायम करके इसे विवेचना में लिया गया था और घटनास्थल पर FSL के द्वारा और पुलिस के द्वारा मौके का मुआयना किया गया, जिस पर कि मर्ग पंचनामा मर्ग कार्रवाई की गई। पोस्टमार्टम के पश्चात में इसमें यह ज्ञात हुआ कि इसकी मृत्यु एक्सपेक्सिया ड्यू टू दी स्ट्रेंगुलेशन गला चुन्नी दबाकर मोड़ लगाने से हुई है, जिस पर से कि अपराध 302 पंजीबद्ध किया गया और इसे अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर अश्विन मेश्राम ने अपना अपराध कबूल किया है और अपने आपसी वाद विवाद के कारण यह घटना होना इसने बताया है और इसे वर्तमान में आज गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।